क्या कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर से हमारा संबंध कितना गहरा है, कितना सच्चा है, कितना मजबूत है? क्या हमारी नित्य की पूजा, हमारी साधनाएं, हमारे कई कई दिनों के मंत्र अनुष्ठान इस संबंध को नापने का सही पैमाना है? या कुछ और भी है जिसके बिना ईश्वर से हमारे संबंधों की घनिष्ठता का आकलन हम नहीं कर सकते? नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। संबंधों की गहराई को नापने का कोई भी प्रत्यक्ष पैमाना नहीं है। अन्य सभी भौतिक चीजों को हम तोल सकते हैं, उनके वजन का आकलन हम कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है संबंधों की गहराई को समझने की, जब बात आती है भगवान से हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता को समझने की, तो किस पैमाने का हमें प्रयोग करना चाहिए? ऐसे कौन से संकेत, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता चलता है कि भगवान से हमारा संबंध बहुत मजबूत है, बहुत गहरा है? तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, जाननी है, कि जो भी नित्य की पूजा हम भगवान की कर रहे हैं, मंत्रादि कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारे भीतर कोई सकारात्मक बदलाव आया है या नहीं। और यहां सकारात्मक बदलाव से मेरा मतलब भौतिक सफलताओं से नहीं, किसी कार्य की सिद्धि से नहीं, वरन अंतर्मन में हो रहे बदलाव से है। नित्य मंत्र जपादि हमारे अंतर्मन को स्पर्श कर रहे हैं या नहीं, ये समझना होगा। जैसे एक विद्यार्थी है जो पढ़कर पास हो जाता है, अगली कक्षा में चला जाता है, वही दूसरा विद्यार्थी है, वही पढ़ाई वो भी करता है लेकिन अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात पढ़ाई की जो ऊर्जा है उसको वो आत्मसात नहीं कर पाया, उसका अंतर्मन उस ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पाया। तो हम भी इस जीवन रूपी परीक्षा में विद्यार्थी हैं। नित्य पूजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जो हम कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा हमारे अंतर्मन को स्पर्श कर रही है या नहीं, इस चीज़ को हमें जानना होगा। क्या हमारे भीतर कुछ अच्छा बदलाव हो रहा है और हमारे इस बदलाव को आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं या नहीं? यदि बदलाव सकारात्मक है तो निश्चित रूप से ईश्वर से हमारा संबंध बहुत गहरा है। दूसरी चीज जो ईश्वर से हमारे संबंध को दर्शाती है कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का होना। पानी से आधा भरा हुआ एक गिलास है तो इसके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, या तो ये कि अरे इतना कम पानी है, आधा ही गिलास है, या इस प्रकार का भी दृष्टिकोण हो सकता है कि अरे गिलास में पानी है। तो क्या ऐसा ही सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपने जीवन को लेकर रखते हैं या नहीं? जीवन में कोई परेशानी है, कोई कष्ट आ रहा है, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ये सोच अगर है तो ईश्वर के प्रति आपका जो संबंध है वो गहरा है, क्योंकि सही मायनों में आपने अपना संपूर्ण समर्पण उस सर्वोच्च शक्ति के आगे कर दिया है। और वहीं जीवन में बार बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिल रही है, या पूजा पाठ के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं और आपका विश्वास भगवान से डगमगा रहा है, तो ऐसे में संभलने की जरूरत है और अपने संबंधों को भगवान से बेहतर बनाने की आपको जरूरत है। तीसरी चीज कि भगवान के नाम जप की तड़प अगर अंदर हो, जब अधिक से अधिक प्रभु के स्मरण का, प्रभु के ध्यान की अभिलाषा हो, उसमें आनंद आए, सत्संग में आनंद आए, ईश्वर का जो भी रूप आपको, जो भी स्वरूप आपको प्रिय है उसे देखकर, उसे ध्यान कर आंखों में आंसू आ जाएं और मन भाव विहल हो जाए, तो आपका संबंध ईश्वर से बहुत गहरा है। व्यर्थ की बातों में जब मन ना भटक रहा हो, एकांत में अधिक से अधिक समय प्रभु चिंतन में लगे, तो ईश्वर से आपका संबंध बहुत गहरा है। अगला लक्षण, अभी पिछले पॉइंट में मैंने बताया था कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, अब पॉइंट है कि दूसरों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, क्या ये सकारात्मक है? क्या आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, लेट गो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? क्या आप दूसरों को क्षमा कर पाते हैं उनकी गलतियों पर? दूसरों की बुराइयों पर नहीं, उनकी अच्छाइयों पर आप फोकस करते हैं, उनकी अच्छाइयों का सम्मान करते हैं? अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो निश्चित रूप से ईश्वर से आपका संबंध सच्चा है, बहुत गहरा है। अगला लक्षण, हमारा संबंध ईश्वर से कितना मजबूत है, वो ये है कि ईश्वर के प्रति जो आपका समर्पण है वो कितना कंडीशनल है और कितना अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है बिना किसी शर्त के प्रेम। हमने पूजा की, हमें प्रतिफल मिला अपनी पूजा का, तो हम ईश्वर भक्त और भी हो गए, ईश्वर के गुणगान हम करने लगे। लेकिन यदि हमें हमारे प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही है, हमारी पूजा का फल अभी हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो संदेह के कीड़े मन में कुलबुलाने लगे, बजाय ये समझने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमसे क्या भूल हमारे जीवन में हो रही है,
बजाय ये समझने की संदेह अगर हम कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति अपने संबंधों पर फिर से गौर करने की जरूरत है। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान तो 100% हमारी पूजा का प्रत्युत्तर देते हैं, हमेशा देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा पैदा किए गए कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो उस ईश्वरीय कृपा को हम तक नहीं पहुंचने देती है। तो इस प्रकार का आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। अगला लक्षण कि दूसरों का दुख यदि आपको दुखी करता है और दूसरों की खुशी आपको प्रसन्नता से भर देती है तो ईश्वर प्रेम का रंग आप पर बहुत मजबूती से चढ़ा है। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ करना, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के दूसरों के लिए कुछ करना, ये भाव होना चाहिए। देखिए, जहाँ लाभ मिलता है वहाँ हर कोई प्रयास करता है कि भाई अगले को लाभ हो रहा है, मुझे भी लाभ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ नहीं है, वहाँ पर भी आप दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए अगर प्रयास करते हैं तो ईश्वर से आपका संबंध बहुत मजबूत है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको समझकर हम अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। दैवीय शक्तियां सब पर समान रूप से कृपालु होती हैं। इस भक्त को भाई ज़्यादा देना है या इसने मंत्र जप कम करा है इसको कम देना है, ईश्वरीय सत्ता में ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ सिर्फ न्याय होता है और समान रूप से न्याय होता है। तो जिस दिन हम ये समझ लें कि ईश्वर की तरफ से दैवीय शक्तियों, दैवीय ऊर्जाओं की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होती, वो तो ऊपर से बरसा रही हैं अपनी कृपाएं। अगर कमी है तो हमारे खुद के प्रयासों में स्वयं को समझना होगा और स्वयं की चेतना को विकसित करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चमत्कारिक लाभों के ऊपर, तो एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।